शासन के निर्देश पर जनपद में लगाए गए आंशिक कर्फ्यू का असर रविवार को भी देखने को मिला। महानगर में शास्त्री चौक, जिला पंचायत रोड, हरिओम नगर चौराहा, कचहरी रोड सहित अन्य चौराहों पर आंशिक कर्फ्यू का असर देखने को मिला। वहीं रात्रि में भी पुलिस कर्फ्यू का पालन करवा रही है, जिसके तहत सीओ कैंट के नेतृत्व में जटेपुर स्थित चेतना तिराहे पर सघन वाहन अभियान चलाकर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। इस संबंध में सीओ कैंट अजय कुमार सिंह ने कहा कि कर्फ्यू का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है, इसलिए जनता सरकार और प्रशासन का सहयोग करे तथा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट अजय कुमार सिंह ने कहा, बैरिकेटिंग तो 41 स्थानों पर पूरे शहर क्षेत्र में की गई है। सभी स्थानों पर फोर्स लगा लिया गया है और वहां पर बैरियर लगा करके सभी की चेकिंग की जा रही है। जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सिर्फ छूट वाले व्यक्तियों को, जो आवश्यक वस्तुओं से संबंधित हैं, आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग हैं, उन्हीं को आने जाने दिया जा रहा है। रात्र में रात्रकालीन कर्फ्यू बदस्तूर पहले की तरह चल रहा है। उसकी भी रात्र में दूसरी शिफ्ट लगी हुई है। 24 घंटे प्रत्येक बैरियर पर ड्यूटी लगी है, वो रात्र में भी उसका कंप्लायंस करा रहे हैं। जो आवश्यक रूप से घूम रहे उनके बारे उनके खिलाफ जो है अभियोग भी पंजीकृत कराया जा रहा है। वाहनों का भी चालान हो रहा है। मास्क अगर नहीं है तो बिना मास्क के भी चालान हो रहा है। जनता से क्या जनता से अपील यही है कि अभी भी चेतें, काफ़ी चीज़ उनकी जानकारी में आ चुकी है। एक ही रास्ता सुरक्षित रहने का, घर पर रहें, बाहर जब भी निकले तो मास्क लगा के निकलें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हाथों को धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यही अपील है।